हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 7i के अंदर आप अपने फोटो एंड वीडियो किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। आपको सिक्योरिटी रीजन का अपने फोटो एंड वीडियो हाइड करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई लीक ना कर सके। आपके फोन में बहुत सारे फोटो एंड वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको किसी को दिखाने नहीं होते हैं, आपको प्राइवेट सेफ पर रखने होते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोटो एंड वीडियो किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं रियलमी 7i के अंदर। अगर आपके पास Realme का कोई भी डिवाइस है तो आप उसके अंदर भी सेम मेथड से अपने फोटो एंड वीडियो हाइड कर सकते हैं, चाहे वो Realme का X सीरीज हो या Realme की C सीरीज हो या Realme का 6 हो, Realme 2 हो, Realme का 3 Pro हो, कोई सा भी डिवाइस हो आपके पास Realme का, तो आप उसके अंदर भी सेम मेथड से अपने फोटो एंड वीडियो हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे, जहाँ से हम आपको बताएंगे अपने फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आपको ले चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ से हम आ गए अपने फोन की स्क्रीन पर, यहाँ से हम आपको बताएंगे आपको किस प्रकार से अपने फोटो एंड वीडियो हाइड करने हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए हम उसके लिए आपको ले चलते हैं सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने वाले आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेट सेफ, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटोज ऑडियो डॉक्यूमेंट, सिंपली हम अपने फोटोज पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है नो पिक्चर, अभी कोई पिक्चर नहीं है। तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे फ़ोन के अंदर ये चार फोटोज़ हैं, वीडियो कोई नहीं है। अगर आपके फ़ोन में वीडियो है तो आप वीडियो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हमने तीन फोटो सेलेक्ट कर दिए, एक इसे छोड़ दिया, हमने तीन फोटो सेलेक्ट कर दिए और इसे हम कर देते हैं डन। अभी हमारे तीन फोटो हो गए हैं हाइड। अब हमारे फ़ोन के अंदर वीडियो कोई है नहीं, अगर आपके फोन में वीडियो हो तो आप वीडियो भी इसी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं बैक। उसके बाद बैक आने के बाद हमारी जो फोटो हैं जो गैलरी में आपको कहीं भी शो नहीं हो रहे हैं, जो हमने हाइड किए हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख चेक करा देते हैं आपको गैलरी में। इसे एग्री करेंगे, अलाउ कर देंगे यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ आपको एक फ़ोटो देखने के लिए मिलता है केवल, और जो हमने हाइड किए हैं वो फोटो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही तो एल्बम में ना एक्सप्लोर में आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो फोटो हमने हाइड किए हैं। अब बात आती है हमने जो फोटो एंड वीडियो हाइड करना है आपको उन्हें एक्सेस कैसे करना है, तो आपको वहीं जाके एक्सेस करना है प्राइवेट सेम में, वहीं जाके एक्सेस करना है उसको। चलिए यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन ज़्यादा प्राइवेसी, प्राइवेसी में जाने के बाद आप जाएंगे प्राइवेट सेफ में, प्राइवेट सेफ में जाने के बाद यहाँ से आपके फोटोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब बात आती है हमने अपने फोटो एंड वीडियो हाइड कर दिए, इन फ्यूचर का भी जरूरत पड़ी हमें उन्हें अनहाइड करना है तो कैसे करें। अनहाइड करने के लिए आपको यहीं से आप अनहाइड कर सकते हैं, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ अनहाइड करने के लिए। जैसे आप यहीं पर हैं आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इन तीनों फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिए। जैसे आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट एज पब्लिक, या दिख रहा होगा कोने में सेट एज पब्लिक, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ऑप्शन पूछ रहा है सेलेक्ट स्टोर लोकेशन, आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट में, यहाँ कहीं भी, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे और हमारे फोटो वापस से हो गए हैं अनहाइड। तो चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ से हमारी गैलरी में जाके। जैसे आप गैलरी में जाएँ यहाँ से हमारे फोटो वापस आ चुके हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो या वीडियो अनहाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में वीडियो हो तो आप वीडियो भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपने फोटो और वीडियो अनहाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।